दोस्तों, मेरा नाम है विनय और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल विनय बायोलॉजी। तो लास्ट टाइम हमने सिंपल लिपिड के बारे में जाना था, आज हम बात करेंगे सेकंड टाइप ऑफ लिपिड की, दैट इज कॉन्जुगेटेड और यू कैन से कंपाउंड लिपिड। तो सिंपल लिपिड में हमने पढ़ा था कि आपके सिंपल लिपिड बने होते हैं 1 glycerol एंड 3 fatty acid, जबकि कॉन्जुगेटेड के अंदर क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ पर लिपिड में लिपिड के साथ कोई एक्स्ट्रा ग्रुप आपको अटैच मिलेगा, जबकि सिंपल लिपिड के अंदर कोई एक्स्ट्रा ग्रुप प्रेजेंट नहीं था। एक ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल था, दैट मींस एक अल्कोहलिक मॉलिक्यूल था, और एक आपका फैटी एसिड मॉलिक्यूल था। यहां पर अल्कोहलिक और फैटी एसिड मॉलिक्यूल्स के अलावा भी तीसरा ग्रुप पाया जाएगा। सो क्योंकि यहां पर लिपिड के साथ हमेशा कोई ना कोई एक्स्ट्रा ग्रुप कॉन्जुगेटेड फॉर्म में मिलेगा, दैट्स वाई से हम कॉन्जुगेटेड कहते हैं और कंपाउंड यानी कि बोलते हैं मिक्स। यहां पर आपको एक एक्स्ट्रा ग्रुप मिलने से एक तरह का मिक्सचर क्रिएट होगा, दैट्स वाई इन्हें हम कंपाउंड और कॉन्जुगेटेड लिपिड कहते हैं। जिसमें से सबसे पहला टाइप जो आप पढ़ते हैं आपके कोर्स में आता है, दैट इज फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड हम पढ़ते हैं, फॉस्फोलिपिड जो कि नाम से सजेस्ट कर रहा है कि इसमें क्या है, इसमें ग्लिसरॉल है, इसमें इसमें फैटी एसिड है, लेकिन इन फैटी एसिड के साथ साथ में फॉस्फेट ग्रुप भी अटैच है। आप ध्यान दीजिए, ये तो हो गया आपका लिपिड, लिपिड के साथ में क्या लगा है, फॉस्फेट, दैट्स वाई इन्हें हम क्या बोल रहे हैं, फॉस्फो लिपिड, मतलब लिपिड के साथ फॉस्फेट लगा हुआ है। तो आइए हम एक डायग्राम देखते हैं, हम एक फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर देखते हैं। CH2OH पहले लिपिड का डायग्राम बनाएंगे और इसका फॉर्मूला बनाएंगे, देन यहां पर हम इस OH को लेफ्ट साइड में लिखते हैं, ज्यादा बेटर माना जाएगा, ठीक है। और यहां पर हम दो फैटी एसिड लगा देते हैं, HOC OR1, और यहां पर लगा दीजिए R2 C OH, और यहां पर लगाएंगे C OH OH and OH। उसके बाद यहां लगाएंगे CH3, फिर लगाएंगे नाइट्रोजन, फिर लगाएंगे 3 CH3 ग्रुप, और यहां पर इसे हम चार्ज कर देंगे, यहाँ पर इसे हम चार्ज देंगे पॉजिटिव। तो जैसा कि हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, ये होगी आपकी कंडेंसेशन रिएक्शन, दैट मींस यहाँ से एक वाटर का लॉस होगा, सो OH + OH यहाँ पे बनेगा आपका H2O2, जिसमें से H2O रिमूव हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, एक ऑक्सीजन बचेगी। सो यहाँ पर एक कॉमन ऑक्सीजन से दोनों तरफ बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, सेम चीज़ यहाँ पर भी होगी, यहाँ पर एक कॉमन ऑक्सीजन से दोनों के बीच में क्या होगा, बॉन्ड क्रिएट होगा। सो यहाँ पर ये हो गया। सो अब यहां पर देखिए, यहां पर ये जो चीज है, दिस इज नोन एज फॉस्फोरिक एसिड, यह फॉस्फोरिक एसिड जो फॉस्फेट ग्रुप प्रोवाइड कराएगी, ये क्या प्रोवाइड करेगी, फॉस्फेट ग्रुप, दैट मींस PO4 3- प्रोवाइड कराएगी यहां पर। सो यहां पर OH और H से मिलकर एक वाटर का लॉस हुआ, एंड देन अगेन यहां एक बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, और यहाँ पर H2O, दैट मीन्स CH2, और एक H यहाँ पर एक OH भी लगा देंगे, CH, तो यहाँ पर क्या होगा, एक वाटर का अगेन लॉस होगा, देन यहाँ पर भी एक बॉन्ड बनेगा। उसके बाद क्या देखेंगे, उसके बाद ये पूरा आपका एक स्ट्रक्चर बन जाएगा, जिसमें से हम ये वाला जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं कोलिन पार्ट, एंड दिस पार्ट इज नोन एज फॉस्फेट ग्रुप, ये फॉस्फेट ग्रुप कहलाएगा,
और बाकी ये वाला पार्ट हम जानते हैं, ये आपका पार्ट कौन सा था, ग्लिसरॉल जो हमने लास्ट टाइम देखा था, और एक फैटी एसिड आपका ये हो गया फैटी एसिड वन, और एक फैटी एसिड आपका ये हो गया फैटी एसिड टू। मतलब मैं कह सकता हूं कि यहां पर एक कोलिन ग्रुप साथ में क्या लगा है, फॉस्फेट, फॉस्फेट के साथ क्या लगे हैं, ग्लिसरॉल, और ग्लिसरॉल से दो क्या लगे हैं आपके फैटी एसिड। ये स्ट्रक्चर है, इसको जरा हम एक बार सीधा कर लेते हैं। तो सीधा करने पे हमें मिलेगा कोलिन, देन फॉस्फेट, देन ग्लिसरॉल, देन दो क्या लगे हैं, फैटी एसिड। इस चीज को जब हम डायग्रामेटिक वे से रिप्रेजेंट करते हैं तो इसको हम ऐसे दिखाते हैं। ये जो मैंने फॉस्फोलिपिड बनाया है, इस फॉस्फोलिपिड का नाम है लेसिथिन। दिस फॉस्फोलिपिड इज नॉन एज लेसिथिन। इस फॉस्फोलिपिड का नाम क्या है, लेसिथिन। और ये लेसिथिन कहां मिलता है, ये लेसिथिन सेल मेम्ब्रेन के अंदर पाया जाता है। सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो फॉस्फोलिपिड आप पढ़ते हो वो फॉस्फोलिपिड कौन सी है, ये लेसिथिन की बात कर रहे हैं। सो यहां पर आप ध्यान दीजिए, इस लेसिथिन को हम बनाते हैं सिंपल ऐसे, जिसमें से इसे हम बोलते हैं पोलर हेड, और यहां पर कितने हैं पोलर हेड, एक, जबकि यहां पर दो क्या है, नॉन पोलर टेल। ये जो नॉन पोलर टेल है ये हाइड्रोफोबिक होती है, मतलब इन्हें पानी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वाटर को रिपेल करने की प्रॉपर्टी शो करती है, जबकि पोलर हेड जो होती है ये हाइड्रोफिलिक होती है, ये वाटर को अट्रैक्ट करती है अपनी ओर। सो आप जानते हैं मेम्ब्रेन में हमेशा पोलर हेड सरफेस को फेस करता है, जबकि आपका जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है वो हमेशा आपके सेल मेम्ब्रेन के इन बिटवीन, मतलब सेल मेम्ब्रेन के बीच में पाया जाता है, मतलब इनर साइड में मिलता है आपका कौन सा, आपका हाइड्रोफोबिक पार्ट। तो यहां पर ये आपका पहला टाइप जिसे हम बोल रहे हैं फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड मतलब लिपिड विद फॉस्फेट। तो हमने एक एग्जांपल लिया किसका, लेसिथिन का, जो आपका सेल मेम्ब्रेन के अंदर मिलता है। इस लेसिथिन को बनाने के लिए हमने ग्लिसरॉल लिए, दो फैटी एसिड लिए, और हमने तीसरे फैटी एसिड की जगह पर क्या ले लिया, फॉस्फेट प्लस में कोलिन ग्रुप ले लिए। और यहां पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर फॉस्फेट आपके दोनों साइड ऑक्सीजन से लगा पड़ा है, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, और यहाँ पर एक सिंगल एक आपका क्या H, so, उसके बाद आपका ये फॉस्फेट, ये कोलिन ग्रुप, फिर ये आपका ग्लिसरॉल, देन दो फैटी एसिड। ये आपका NCERT में कुछ इस तरह का दिखाया गया है। जरूरी नहीं कि आप इस फैटी एसिड उधर लिखें, आप इसे इधर भी लिख सकते हैं, बट क्योंकि NCERT ने इसको ऐसे दिखाया इसलिए मैंने इसी को ऐसे दिखाना ज्यादा पसंद करा। तो अब हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट टाइप की। तो नेक्स्ट टाइप है इसका ग्लाइकोलिपिड। देखो लिपिड आ रहा है, इसका मतलब आपका एज यूजुअल फैटी एसिड तो होगा ही, लेकिन यहां पर ग्लिसरॉल नहीं देगा अल्कोहलिक ग्रुप, यहां पर अल्कोहल देने के लिए कोई दूसरा ग्रुप आएगा, स्फिंगोसिन। स्फिंगोसिन एक अल्कोहलिक ग्रुप वाला कंपाउंड है, मतलब जहां पर ग्लिसरॉल OH ग्रुप प्रोवाइड करता था, यहां पर OH ग्रुप प्रोवाइड कराने के लिए दूसरा अल्कोहलिक ग्रुप आएगा, जैसे हम बोलेंगे स्फिंगोसिन। और फैटी एसिड आपका यहां पर एसिडल कुछ भी हो सकता है, और साथ में यहां पर शुगर भी आएगी, शुगर होगी आपकी गैलेक्टोज। क्या होगी, गैलेक्टोज। तो यहां पर आप ध्यान दीजिए कि ग्लाइको, यहां पे ग्लाइको का मतलब है शुगर, लिपिड एज यूजुअल लिपिड, मतलब ग्लाइकोलिपिड मतलब क्या, शुगर प्लस लिपिड, मतलब यहां पर एक्स्ट्रा ग्रुप कौन है, शुगर। सो यहां पर एक्स्ट्रा ग्रुप कौन है, शुगर। सो आप देखिए यहां पर एक बहुत कॉमन सा एग्जांपल है ग्लाइकोलिपिड, दैट मींस अब एक चीज देखिए, यह पूरा का पूरा तो हो गया एक तरह का लिपिड, एल्कोहलिक ग्रुप, OH ग्रुप प्लस फैटी एसिड,
क्या हो गया? लिपिड। लेकिन लिपिड के साथ में कौन आ गया? शुगर। दैट इज कौन सा? गैलेक्टोज। ये जो ग्लाइकोलिपिड है ये मिलते कहाँ हैं? ये न्यूरॉन्स के ऊपर पाए जाते हैं। न्यूरॉन्स के जो एक्सॉन होते हैं उस एक्सॉन के ऊपर आपने सुनी होगी माइलिन शीथ। जो माइलिन शीथ एक तरह के फैट की जो लेयर होती है उस एक्सॉन के ऊपर, उस वो जो फैट की शीथ है, वो फैट की शीट आपकी ग्लाइकोलिपिड होती है। मतलब उस फैट के अंदर थोड़ा बहुत शुगर का अमाउंट हमेशा आपको देखने को मिलेगा। तो ये था आपका सेकंड टाइप। देन थर्ड टाइप इज लिपोप्रोटीन। लिपोप्रोटीन, लिपो एज यूजुअल लिपिड की बात कर रहे हैं, प्रोटीन यहां पर आपका क्या ऐड हो जाएगा? यहां पर आपका लिपिड के साथ प्रोटीन ऐड हो जाएगा एज अ कॉम्प्लीमेंट्री, एज अ एक्स्ट्रा ग्रुप। देन जो इसका फोर्थ टाइप आता है क्रोमोलिपिड। क्रोमो मीन्स कलर, मतलब लिपिड के साथ कोई कलर गिविंग एक्स्ट्रा ग्रुप लगा पड़ा है, ठीक है? जैसे कि आप देखते हो कैरेटिनॉइड्स, ये आपके क्या हैं? एक तरह के क्रोमोलिपिड में काउंट करे जाते हैं। तो यहां तक आकर हमारे जो कॉन्जुगेटेड और कंपाउंड लिपिड का जो टॉपिक है वो यहां पर आके फिनिश होता है। देन इसे तो हमारा तीसरा टाइप आता है क्या? डिराइव लिपिड। तो वो चीज हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, आज हम सिर्फ कॉन्जुगेटेड टॉपिक तक अपनी बात रखते हैं। तो मेक श्योर कि आपने इस कॉन्जुगेटेड वीडियो, इस कॉन्जुगेटेड लिपिड से पहले आपने सिंपल लिपिड का टॉपिक या वीडियो आपने देखा हो। वो वीडियो जब आप देखेंगे तब उसके बाद आपको ये कॉन्जुगेटेड वाला जो टॉपिक है ये टॉपिक आपको और बेहतर तरीके से क्लियर हो जाएगा। सो आज का हमारा वीडियो यहीं ओवर होता है। कोई आपका, अगर कोई आपका डाउट है तो आप हमें नीचे कमेंट दिए गए कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, आपको इंस्टेंट रिप्लाई मिलेगा। थैंक यू।